हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और आपका सभी स्कूल कॉलेजेस अभी लगभग 2 महीने से बंद हैं और आपका एनुअल एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है। तो और न्यू सेशन की शुरुआत हम इस ऑनलाइन क्लास से शुरू कर रहे हैं एंड इट इज़ द फर्स्ट क्लास फॉर द क्लास थर्ड एंड इंग्लिश ग्रामर। द फर्स्ट चैप्टर इज़ द सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे द सेंटेंस। तो पहले बुक, दिस इज़ योर बुक फॉर दिस एकेडमिक सेशन। इस सेशन के लिए आपका बुक ये रहेगा। और आपको अगर आपके पास ये बुक अभी तक आपके पास नहीं है तो आप ख़रीद सकते हैं। ये बुक स्कूल में अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इट्स फर्स्ट चैप्टर। इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? तो फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी अभी कि द सेंटेंस, इसका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आपके बुक में भी यह डेफिनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आपने ये डेफिनेशन पिछले क्लास में भी लर्न किया है और यहाँ फिर यही डेफिनेशन है, तो आपको सुविधा होगी याद करने में, लर्न करने में। तो शुरू से हम देख लेते हैं इसे। रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवेन बिलो। हमें ये रीड करना है। स्वीट एप्पल ट्री ऑन द, इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसका कोई भी सेंस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन से बताया, जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो, जिसका कोई मीनिंग हो। और इस सेंटेंस का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। स्वीट एप्पल ट्री ऑन द, इसका कोई मीनिंग है? कोई बता सकता है? नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एंड द सेकेंड इज द क्रिकेट टुडे दिल्ली, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये भी इसका भी कोई सेंस नहीं है। एंड द थर्ड इज माई नेम इज साक्षी, मेरा नाम साक्षी है, इसका मीनिंग है कि मेरा नाम साक्षी है, इसका सेंस है कि मेरा नाम साक्षी है। सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी अच्छी दोस्त है, वह मेरी अच्छी दोस्त है, इसका सेंस है, मीनिंग है। तो ये क्या हुआ? ये दोनों सेंटेंस हुए। ये दोनों क्या हुए? सेंटेंस। ये दोनों क्या हुए? सेंटेंस हुए। एंड इसका फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अर्पिता गोज़ टू मार्केट, इसका सेंस है अर्पिता कहाँ गई? मार्केट गई। वरुण इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वरुण क्या कर रहा है? प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, इसका भी सेंस है, मीनिंग है। ये दोनों क्या हुए? दोनों भी सेंटेंस हुए। और ये दोनों क्या थे? सेंटेंस नहीं है, इनका कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। सो हमें एक रिमेंबर रखना है, रिमेंबर डैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट या डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस कैन नॉट बी अ सेंटेंस। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई भी कंप्लीट सेंस ना हो उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं। और जिसका भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक अ कम्प्लीट सेंस कैन नॉट बी कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस नहीं कहते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं। रहीम प्लेज गार्डन फूड, इसका भी कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है, यानी कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह मैंने भी यहाँ दो, यहाँ फर्स्ट में बताया, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इन दोनों का भी कोई मीनिंग नहीं है, ये भी इसका भी कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये था सेंटेंस।
अब इस पर बेस्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं, एंड इट्स फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस क्रॉस द वंस विच आर नॉट। यानी हमें इसमें एक्सरसाइज में ये करना है कि जो जो भी सेंटेंस है, जिनका भी सेंस है, कोई मीनिंग है, तो उस पर टिक करना है, और जिनका भी कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है, उनमें क्रॉस करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट दे वर प्लेइंग फुटबॉल, इसका मीनिंग है दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये क्या है, सेंस है, मीनिंग है, तो इसमें हम टिक कर देते हैं। आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्रॉस। विजिट दिल्ली कैट द विल्डू, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। और बाकी सब आपको खुद करना है, और जब भी हम क्लास में मिलेंगे तो हम इसे चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। सम फैक्टर अबाउट अ सेंटेंस, कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट अ सेंटेंस, सेंटेंस के कुछ फैक्ट्स हैं, तो देख लेते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। जैसे कि मैं बता देता हूँ, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ आई क्या है, कैपिटल लेटर है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस है। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, अगला देखते हैं। अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेशन मार्क। सेंटेंस जो है हमेशा एंड होता है, यानी खत्म होता है, फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लामेशन मार्क से। इसका भी एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फुल स्टॉप का एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई लीव इन क्या डेली, यहाँ फुल स्टॉप आया और यहाँ कैपिटल लेटर आया। तो हम जानते हैं कि सेंटेंस जब भी शुरू होता है कैपिटल लेटर से, एंड होता है फुल स्टॉप से और क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लामेशन मार्क से। उसका भी हम एग्जांपल देखेंगे आगे। और अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ फुल स्टॉप से एंड हुआ, ये भी फुल स्टॉप से एंड हुआ है, तो ये दोनों क्या है, सेंटेंस हैं। दोनों क्या है, सेंटेंस है। ये भी स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से, आई यहाँ कैपिटल है, तो ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ, यानी वाक्य हुआ। और थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, क्वेश्चन मार्क, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। यहाँ सेंटेंस यानी ये वाक्य एंड हुआ है, खत्म हुआ है, किससे, क्वेश्चन मार्क से, तो ये क्या, ये भी क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ। और स्टार्ट हुआ है यहाँ पे कैपिटल से, यानी ये भी एक सेंटेंस ही है, यानी वाक्य है। और एग्जांपल फोर्थ में आएंगे हम, एक्सक्लामेशन मार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हाउ
ब्यूटिफुल दिस ड्रेस दिस ड्रेस इज हाउ ब्यूटिफुल दिस ड्रेस इज, यानी यहाँ पे एच कैपिटल है, एच कैपिटल है, तो ये भी क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। और यहाँ एंड में हम देख रहे हैं कि हाँ एक्सक्लामेशन मार्क से सेंटेंस एंड हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लामेशन मार्क हो एंड में, यहाँ पे फुल स्टॉप हो, और क्वेश्चन मार्क हो से जो भी सेंटेंस एंड होता है, जो भी वाक्य एंड होता है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। यहाँ भी एक्सक्लामेशन मार्क से एंड हो रहा है, तो ये सभी क्या हैं, सेंटेंस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज Rewrite the following sentence using capital letters, full stop, question mark and exclamation mark correctly. मैंने आपको अभी भी बताया question mark के बारे में, full stop के बारे में और exclamation mark के बारे में। तो हमें इस यहाँ पे इस एक्सरसाइज में इसे rewrite करना है, यानी फिर से लिखना है। द ट्रेन इज़ वेरी लेट टूडे, तो हम यहाँ जानते हैं कि सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और यहाँ स्मॉल लेटर है तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो हमें रीराइट करने के लिए इसे यहाँ द जो है कैपिटल में लिखना होगा, यानी टी जो है कैपिटल में लिखना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पहले से द ट्रेन इज़ वेरी लेट टूडे, इसमें फुल स्टॉप भी नहीं था, तो हमने फुल स्टॉप यहाँ डाल के इसे रीराइट और करेक्ट सेंटेंस बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू हैव अ पेन। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डू, डू यानी डी बड़ा यानी कैपिटल। सो डू यू हैव अ पेन, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कलम है, तो यहाँ पे हम कौन सा मार्क यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड इज दिस ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। तो दिस यानी टी हमें यहाँ पे कैपिटल लिखना होगा, दिस Dresses are beautiful, और यहाँ फुल स्टॉप, दिस ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, ये ड्रेसेस सुंदर हैं, दिस ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, ये ड्रेस सुंदर हैं। तो यहाँ एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, यहाँ एंड करेंगे हम, तो ये सेंटेंस होगा। बाकी आपको खुद ही करना है और सही सही बनाना है, और ये क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो वहाँ ये चेक करेंगे। एंड थर्ड एक्सरसाइज इज रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हमें रीअरेंज करना है जम्बल्ड वर्ड को टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। तो फर्स्ट इज गोइंग होम सोहन इज, तो इसे क्या बनेगा, ये जम्बल्ड वर्ड है गोइंग होम सोहन इज, तो हमें इसे रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे सोहन इज गोइंग होम, ये क्या हुआ, मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ कि सोहन घर जा रहा है, सोहन इज गोइंग होम। ब्रोक मिशा ग्लास द, मिशा ब्रोक द ग्लास, ये क्या हुआ, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मिशा ब्रोक
broke the glass. ये क्या हुआ, मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ जिसका कोई मीनिंग है, सेंस है. सो इसी तरह आपको सभी बनाने हैं. आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले लें, और बुक है तो इसे बनाएं, प्रैक्टिस करें. सो वेरी वेरी थैंक यू.